प्यारे भक्तों, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा लेकर आई हूँ। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। धरती पर आए हुए उन्हें कई साल हो गए थे। वह जाने के लिए तैयार हुए। स्वामी को तैयार होते देख लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, आज कहाँ की तैयारी है? विष्णु जी ने कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी बोली, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु भगवान ने दो पल सोचा और कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, परंतु धरती पर पहुँच कर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। तो माता ने हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे, क्योंकि रात में बरसात होकर रुकी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और शांति थी। धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। तो माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और भूल गई कि पति को क्या वचन दिया था। चारों तरफ देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ को एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई दिया। एक फूलों का खेत था, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे थे। माँ बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लौटी तो भगवान की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और अपना वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम फूल तोड़कर लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के यहाँ नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं बैकुंठ में वापिस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़े ही थी, माँ एक गरीब का रूप धारण कर उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या था, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम माधव था। माधव के घर में उसकी बीवी, 2 बेटे 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके गुजारा करते थे। माँ जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही नहीं चलता। अगर मेरे 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जो रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। तो माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम के को एक गाय खरीद ली और सब ने अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला, इसके रूप में मेरी किस्मत आ गई है। इस तरह 5 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा और बोला, यह तो मेरी मुंह बोली 4थी बेटी है, और यह भी पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था, सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में ही आपसे घर और खेत में काम करवाया। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया है, हे माँ हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली,
हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से रखा, अपने परिवार की सदस्या की तरह। उसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई।